कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला शो सिलसिला बदलते रिश्तों का भी इन दिनों देखने को मिल रहा है। जहां एक नया ट्रैक तो वहीं बता दे कि अब शो में कुणाल जो लौट चुकी हैं वापस मौली और अपने परिवार वालों के पास, लेकिन 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 बता दे कि अब मौली कर रही है दूसरी शादी का फैसला, वो भी अपने दोस्त ईशान के साथ। जी हाँ दोस्तों, उनकी शादी के राज खोले हैं कुणाल की माँ ने। चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी मौली की दूसरी शादी की कहानी। रेडी सभी? शूट चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, ब्रेक हुआ है। एक्चुअली मौली ने फाइनली जिंदगी एक बार फिर से शुरू करने का फैसला ले लिया है, जो 3 साल से वो इनकार कर रही थी, फाइनली उन्होंने हाँ भर दिया। सीन के बारे में क्या बताएं? एक फुल स्टॉप लगा रखा था, कॉमा भी नहीं, फुल स्टॉप ही लगा रखा था उसने। तो अब कुणाल के आने के बाद उसने ये डिसाइड किया है कि वो शादी करने वाली है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये कहीं नहीं, रीबाउंड इज नॉट द राइट वर्ड, बट मतलब उसका जो वो दर्द दिखा है ये जानने के बाद कि कुणाल और उसकी पत्नी और उनकी छोटी सी बच्ची साथ में हंसी खुशी एक परिवार में रह रहे हैं, वहाँ वो अकेले है, एक दोस्त है जिसको उसे फुली एक्सेप्ट नहीं किया है इतने सालों से, एंड उसके बच्चे को भी उसने वो पिता का प्यार मिलने नहीं दिया है कहीं। शी मस्ट बी फीलिंग गिल्टी अबाउट दैट ऑल्सो, सो दैट हैज़ इंस्टिगेटेड हर टू इस शादी के लिए हाँ बोलने के लिए उसको इंस्टिगेट किया है, ऐसा साइकोलॉजिकली मेरा ये सोचना है। तो ये डिसीशन भी सही है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, शी शुड नॉट एट ऑल बी गोइंग बैक टू कुणाल, एक औरत होने के नाते, सिर्फ एक माँ नहीं, कुणाल की ही माँ नहीं, सिर्फ एक मौली की माँ नहीं, एक औरत होने के नाते आई सर्टनली वुड नॉट एडवाइज कि उसे कुणाल के पास वापस जाना चाहिए, लेकिन वो हेस्टी डिसीशंस जो होते हैं ना जिंदगी में कभी। नेक्स्ट 9 लाइफ से चित्रा की रिपोर्ट।